चार बजे है भोर के, मन प्रभु चरणन ली, प्रकट हुई छवि विठल की, भाव दर्शन की। भगवद प्राप्ति अध्याय पांच। हरि पाउ पंथ दीक्षित नागर ब्राह्मण सन, अते उना ने अंग्रेजी भाषा दी उच्च सिख्या हासिल की थी सी। जिमें पावरा कमल दे फुलते कुर्बान हो जांदा है, उसे तरह हरि पाउ श्री साईं दे चरणा विच पूरी तरह समर्पित सन। उना दा मन पूरी तरह श्री साईं नाल जुड़िया सी। वो शिरडी विच ही रहन लगे ताकि श्री साईं दे चरणा विच उना दी अध्यात्मक तरक्की हो सके। सवेर दा समां सी, हरि पाउ ईश्वर दा ध्यान लगाई बैठे सन। उदों एक चमत्कार होया, उना दे ख्याल विच ही हू बहू तस्वीर प्रगट हुई। उना ने देखिया कि विठल अपने कमर ते दोवें हाथ रख के खड़े हन। उना दे गले विच तुलसी दी माला है। इस तस्वीर नू देख के हरि पाउ दा मन आनंद नाल भर गया। उना ने मन ही मन विच कहा, ए श्री साईं दी मेरे ते विशेष कृपा है, जिस दी वजह नाल मेरी अध्यात्मिक उन्नति हुई अते मैनू विठल जाने श्री साईं दे दर्शन करन दी खुशकिस्मती मिली। हालांकि मैं इस योग नहीं सी, परंतु श्री साईं ने मैनू इस लायक बना के श्री हरि दे दर्शन करवा दिते। इस अनमोल अध्यात्मक लाभ तो इलावा हुण मेरी कोई भी होर इच्छा नहीं है। दीक्षित आनंद मगन सन। वो मस्जिद आए अते उना ने श्री साईं दे दर्शन कीते। श्री साईं ने हरि पंथ नू कहा, काका अज दा दिन किन्ना वधिया है, अज दे दिन तुसी तन हो गए, कि विठोबा पाटिल खुद चल के तुहाडे कोल नहीं आए। जो संत वाड़ी दे पाटिल हन, वो संसार दी भलाई करन वाले हन, भाव संतां दे मन मंदर विच वास करन वाले पाटिल जाने ईश्वर संसार नू पार लगाउंदे हन। उस विठोबा पाटिल दे गुणां दा वर्णन करन विच शब्द भी छोटे पै जांदे हन। श्री साईं दे अजिहे वचन सुन के हरि पाउ ने अपने दोवें हाथ जोड़े ते कहा, हे बाबा तुहाडे कम अद्भुत ते अनोखे हन, तुहाडी लीला कोई नहीं जान सकता। तुहाडियां लीलावां नूं तां सिर्फ तुसी ही जान सकते हो। हे श्री साईं, असी तुहाडे बच्चे हाँ, तुसी साडी मां हो। एक बच्चे लई चंगा की है अते बुरा की है, इस नूं सिर्फ मां दा दिल ही जानदा है। साडे हित विच की है, साडे लई की चंगा है, इस नूं सिर्फ तुसी ही जानदे हो। हे श्री साईं, मैं तुहाडा भोला भाला बच्चा हाँ, मैं तुहानूं की बेनती करां। मैं तां अपना विश्वास तुहाडे चरणां विच रख चुका हाँ। हुण तुहाडी शरण विच आए बच्चे नूं मुक्ति देना तुहाडे ही हथ विच है। अगे हरि पाउ श्री साईं नूं कहिंदे हन, हे श्री साईं, विठोबा ने मैनूं अपने दर्शन जरूर दित्ते, परंतु अजिही खेड तुसी ही तां खेडी। अजिहा संभव करन वाले तां तुसी ही हो। असी कठपुतली दा डांस देख के कठपुतली दी वडियाई करदे हां, परंतु कठपुतली नूं चलाउण वाला
जेड़ा सूत्र तारे ओही मुख हुंदा है। इसलिए सानू कठपुतली दे सूत्र तार जाने ईश्वर दी कदर करनी चाहिदी है। ए श्री साईं, तुसी एक कुशल सूत्र तार हो, तुसी ही काबल बाजीगर हो, तुसी जिवें चाहुंदे हो उवें ही ईश्वर तो काम करवा लेंदे हो। ईश्वर जाने विठोबा तुहाडे हथ दा खिडौना है, तुहाडी जिहो जी इच्छा हुंदी है उसे तरह ईश्वर नू काम करना पैंदा है। हे श्री साईं, तुहाडी मूर्ति दुनिया दे चप्पे चप्पे विच मौजूद है, तुसी सर्व व्यापी हो, तुसी संसार दी हरेक चीज़ विच दर्शन दियो। मैं संसार दी जेड़ी भी चीज़ देखा उस विच मैनू सिर्फ तुहाडी ही तस्वीर दिसे, इस तो इलावा मैं तुहाडे तो होर की मंगा, इस तो इलावा होर कुछ भी पाउण दी मेरी इच्छा नहीं। श्री साईं ने कहा, काका मन विच चिंता ना करो, तुहाडे मन दी मुराद छेती पूरी होवेगी। गुरु जिस ऊपर खुश हो जाण ओ उसनू रब नाल मिलवा देंदे ने। गुरु चाहे तां ओ भगत नू ईश्वर दे आमने सामने दर्शन करवा सकदे हन। जिसने सिर्फ गन्ने दी खेती कीती होवे कि उसनू गन्ने दा एक प्याला रस पीण लई नहीं मिलेगा, जरूर मिलेगा। जिसने भगती दी फसल उगाई होवे उसनू भला भगती दा मिठा फल क्यों नहीं मिल सकदा, जरूर मिलेगा। जिस ऊपर भागीरथी जाने गंगा खुश होवे, जिसनू खुद भागीरथी ही मिल जावे, उसनू की शीतल जल्दी काट रह सकती है, कदी नहीं। जिस दे हाथ विच शुद्ध केसर होवे उस दे हत्थां विच खुशबू अपने आप रच जांदी है, कि उसनू खुशबू दी काट रह सकती है। हे हरी पाऊ, तुसी अध्यात्म दी राह ते समर्पित हो के तुर रहे हो, तुहाडा अध्यात्मक लाभ निश्चित है, तुहाडी अध्यात्मक उन्नति जरूर होवेगी, इस विच जरा जिन्ना भी शक नहीं। जब देखूं मैं आपको दिखते मुझको ईश, केवल देखूं आपको ऐसा दे आशीष। आता जाता प्रतिदिन गोदाती साई को शिव मान कर अर्पित करतानी। मेघा ना दा एक गुजराती ब्राह्मण सी, गायत्री विच उस दी आस्था सी, ओ श्रद्धा नाल पुरुष चरण जाने शिव भगती दा स्रोतर दा पाठ करदा सी। मेघा दे सिर ते लम्मे वाल जटावां वांग लगदे सन, ओ लम्बे कद दा सी अते उस दा शरीर बलशाली सी। ओ हमेशा हर हर महादेव दा जाप करदा रहंदा सी। मेघा हर रोज सवेरे नियमित तौर ते ठंडे पानी नाल नहाउंदा सी, फिर अपने शरीर ते पसम जाने पबूती लगाउंदा सी। उस तो बाद मृगशाला ते बैठ के वो पूजा दी तैयारी करदा सी। वो अपने मथे ते तिकोना चंदन लगाउंदा सी, उस विच तप ते भगती दा तेज दिसदा सी, अते वो खुद जलधर
जाने शिव वर्गा लगदा सी। मेघा रोजाना मस्जिद जांदा अते दिन विच तीन वारी श्री साईं दे दर्शन करदा। मेघा कहिंदा वो जदों भी श्री साईं दे दर्शन करदा है तां श्री साईं उसनू शिव दे रूप विच दिखाई दिंदे हन। मेघा विलव पत्तर चढ़ा के श्री साईं दी पूजा करदा, उना दे सामने बैठ के ओम नमो शिवाय दा जाप करदा अते आदर नाल श्री साईं दे चरणा विच अपना शीश झुकांदा। मेघा रोजाना 5 मील दी दूरी तय करके गोदावरी दे तट ते जांदा अते उत्थों श्री साईं नूं इशनान कराउण लई जल लै के वापस शिरडी आउंदा। लोकां दे पुछण ते मेघा कहिंदा श्री साईं त्रंबकेश्वर जाने शिव हन, उन्हां नूं इशनान कराउण लई गोदावरी दा पवित्र जल ही सब तों टुकुआ है, और कोई जल श्री साईं नूं इशनान कराउण दे योग नहीं है। मेघा शिव भगत सी, उस दा रोम रोम भगवान शिव दी पूजा ते भगती विच लीन सी। ओ श्री साईं नूं भी भगवान शिव ही मनदा सी। श्री साईं भी अनोखे सन, ओ मेघा दी भगती भावना दा निरंतर विकास कर रहे सन। मेघा जिस रूप विच उना दी पूजा करदा सी ओ उस कोलों उही पूजा स्वीकार कर लेंदे सन। इत्थों तक के मेघा जदों उना वल देखदा सी तां श्री साईं उसनू शिव दे रूप विच अपना स्वरूप दिखांदे सन। मेघा दी अथा भगती भावना देख के कृपा मूर्ति श्री साईं उस तों खुश होए। उन्होंने मेघा नूं कहा ए लो, मैं तुहानू आशीर्वाद दे नाल ए शिवलिंग दे रहा हाँ। तुसी मन नाल शिव नूं पूजनीक परमेश्वर मन्या है, हुण तुसी इस शिवलिंग दी रोजाना पूजा करना, तुहाडी अध्यात्मक उन्नति होवेगी, तुहानू रब दे दर्शन होणगे। मेघा दा ए संखेप विच दस्या गया पात्र है। मेघा वांग कोई भी व्यक्ति पावें ओ ईश्वर दे किसी भी स्वरूप दी पूजा करदा होवे, श्री साईं उस तों दुखी नहीं होंदे सन। श्री साईं तां भगत तों सिर्फ आस्था श्रद्धा ते भगती चाहुंदे सन। भगत किस रूप विच श्रद्धा रखदा है इस तों श्री साईं नूं कोई मतलब नहीं सी। श्री साईं दी भगती दी अनोखी विशेषता है, कोई शिव भगत श्री साईं नूं प्रणाम करदा, श्री साईं उस नूं शिव दे रूप विच साक्षात दिखाई देंदे। कोई वैष्णव भगत उन्हां नूं विष्णु मन के प्रणाम करदा, श्री साईं उस नूं केशव जाने श्री कृष्ण दे रूप विच दिखाई देंदे। मुसलमान भगतां नूं ओ पाक परवरदिगार दे रूप विच नज़र आउंदे। जिस दी जिहो जिही आस्था हुंदी उस नूं श्री साईं तों उहो जिहा ही अनुभव प्राप्त हो जांदा। जिसकी जैसी आस था, जिसका जैसा प्यार, साईं सबकी भावना करते हैं स्वीकार। चांदोरकर ने देखिया कि श्री साईं हमेशा अपने कोल एक इट रखते हैं।
ਉਹ ਉਸ ਇੱਟ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹ ਇੱਟ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤੀ ਤੇ ਪਿਆਰੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੌਂਦੇ ਹਨ ਇੱਟ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਸੌਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਚਾਂਦੋਰਕਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ। ਚਾਂਦੋਰਕਰ ਨੇ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਹੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਈਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਬਾਬਾ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕੀ ਇੱਟ ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਸੌਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਲਈ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਇੱਕ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿਰਹਾਣਾ ਰੱਖੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਿਰਹਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਈਂ ਨੇ ਚਾਂਦੋਰਕਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਨਾਨਾ ਇਸ ਇੱਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਕੋਈ ਅਨੁਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਖਾਂ ਨਰਮ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿਰਹਾਣੇ ਇਸ ਇੱਟ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਇੱਟ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਟ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਨਮੋਲ ਤੋਹਫ਼ਾ ਹੈ। ਹੇ ਨਾਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇੱਟ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਇੱਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਮੁੱਚੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਜਾਂ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਅਤੇ ਸਾਧਾਰਨ ਤੋਂ ਸਾਧਾਰਨ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੀਮਤੀ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਹੇ ਨਾਨਾ, ਇਸ ਇੱਟ ਦਾ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਇੱਟ 'ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਆਨ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਇੱਟ ਹੀ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਇੱਟ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਇੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਵੀ ਇਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਿਸ਼ੇ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸ਼ਿਸ਼ੇ ਦੀ ਭਲਾ ਕੀ ਹੋਂਦ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਈਂ ਨੇ ਨਾਨਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਰ ਚੁੱਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਫਿਰ ਕਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣੇ ਇੱਟ 'ਤੇ ਰੱਖੀ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਇੱਟ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਹਨ, ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਚਰਨ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਿਰ ਇਸ ਸਮਰੱਥ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਇੱਟ 'ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਟਿਕਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਇੱਟ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਿੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਇੱਟ ਗੋਦਾਵਰੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਰਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪਰਮਾਣੂਆਂ ਨਾਲ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਉਦਾਰਤਾ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਈਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਵਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਚਾਂਦੋਰਕਰ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਟ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਚੁਕਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਈਂ, ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਟ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਸੇ ਦੇਤਾ ਜੋ ਉਪਹਾਰ, ਉਸਕੇ ਆਗੇ ਤੁਛ ਹੈ ਹੀਰਕ ਮੋਤੀ ਹਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਰਣੋਂ ਮੇ ਸਦਾ ਰੱਖੋ ਟਿਕਾ ਕਰ ਸ਼ੀਸ਼, ਬਾਲ ਨਾ ਵਾਕਾ ਕਰ ਸਕੇ ਕਾਲ ਜਈ ਆਸ਼ੀਸ਼। ਮੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਾ,
कहा रतन सुनो यह बात साई साधु जान ही वही जगत का नाथ तुम शिरडी को जा रहे होगा शीघ्र प्रभा से ढल जाएगी रात। रतन जी ना दा एक पारसी नंदेड़ विच रहंदा सी। ओ नंदेड़ तो रवाना हो के शिरडी श्री साईं दे दर्शन करन जा रहा सी। उसे दिन शाम वेले उन्होंने अपने कार दोस्तां ते चाहुन वालियां नूं चाह ते सद्दा दिता सी। उसी समय अचानक मौली साहब ना दे एक रब दे भगत उना दे घर पधारे। मौली साहब दा आउना बाग विच बसंत दे आउन वर्गा सी। सारे लोकां ने उना दा स्वागत कीता अते उना नू उच्चे आसन ते बिठाया। सारयां ने चाह पीती अते नाल कुछ खादा। इस मौके रतन जी ने मौली साहब नू फुलां दी माला पहनाई अते उना नू नारियल भेंट कीता। रतन जी तो सन्मान हासिल करन पिछों मौली साहब मुस्कुराए अते उना ने अपना मेहर भरिया हथ रतन जी दे सिर ते रखिया। मौली साहब ने रतन जी नू कहा ए नेक इंसान तुसी शिरडी जल्दी जाओ। साईं बाबा नूं साडी बंदगी कहना साडा सलाम बाबा नूं अदब नाल अर्ज करना। ए प्यारे रतन जी ए सारे संसार विच साईं बाबा वर्गा कोई दूजा फकीर नहीं है। तुहाडा उत्थे जाना तुसी इस नूं अपनी किस्मत समझो। तुहाडा शिरडी जाना मतलब तुहाडी तकदीर खुलण जाने भगवत प्राप्ति दा समा आ गया। मौली साहब दा आशीर्वाद लै के रतन जी शिरडी लई रवाना हो गए। रतन जी शिरडी पुजे अते उन्होंने श्री साई दे दर्शन कीते। श्री साई ने तुरंत रतन जी नू कहा तुसी नांदेड़ तो सीधे शिरडी आए हो। तुसी चंगा कीता कि तुसी आ गए। मैं तुहाडा पार खुद सहन करांगा अते तुहाडी चिंता हमेशा लई दूर कर देंगा। तुसी मैनू किन्नी दक्षिणा दे रहे हो। तुसी मैनू जो भी दक्षिणा देना चाहो वो खुले मन नाल दियो। रतन जी ने श्री साई दे सामने डरदे हुए कहा मेरी जिन्नी समर्था है उन्नी दक्षिणा मैं तुहानू जरूर देंगा। तुसी ही कृपा करके दसो कि मैं तुहानू किन्नी दक्षिणा दें। तुसी जो भी कहोगे ओ मैं तुहानू आदर सहित समर्पित करांगा। इना सुनदे ही श्री साईं बोले मेरे दक्षिणा मंगण तो पहला तुसी इन्नी राशि मैनू दे चुके हो। हुण इस तो इलावा बाकी इन्नी राशि होर बचदी है। हुण तुसी जल्दी मैनू बाकी इन्नी राशि दक्षिणा विच दे दिओ। रतन जी ने श्री साईं दी गल सुन के मन विच सोचिया मैं अज तक कदी भी शिरडी नहीं आया। मैं पहला कदी श्री साईं दे दर्शन नहीं कीते। फिर मैं श्री साईं नूं कोई दक्षिणा कित्थों दित्ती। श्री साईं किवें कहिंदे हन कि मैं उन्हां नूं पहला इन्नी दक्षिणा दे दित्ती है। इस चिंतन नूं एक वारी विराम देंदे हुए रतन जी ने श्री साईं दे दसे गए हिसाब मुताबक बाकी राशि उन्होंने तुरंत दक्षिणा वजों दे दी। श्री साई का हिसाब उन्हों की समझ तो बाहर सी। दूजे दिन श्री साई ने रतन जी नू सुराग दिता अते कहा अरे रतन जी हाले दो दिन पहला तुहाडे घर कोई मेहमान आए सन। तुसी उन्हों की मेजबानी की ना उस मेजबानी नू याद करो।
फिर तुहाडे मन दा सारा शक दूर हो जाएगा। श्री साई तो प्रसाद लैके रतन जी शिरडी तो नांदेड़ वापस आ गए। श्री साई ने उन्होंने दक्षिणा बारे जेड़ा हिसाब किताब दस्या सी वो उन्होंने मन विच हुण भी एक पहेली बन के घूम रहा सी। एक दिन रतन जी अपने घर खर्च का हिसाब बही खाते विच देख रहे सन। उस विच उन्होंने देखा कि उन्होंने घर कोई मेहमान जाने मौली साहब आए सन। उन्होंने स्वागत विच कुछ खर्चा होया सी। ये खर्चा उन्ना ही सी जिन्ना श्री साई ने शिरडी विच बैठे बैठे उन्होंने दस्या सी। मेजबानी विच लगे खर्च नू श्री साई ने पहला हासिल कीती दक्षिणा दे रूप विच दस्या सी। श्री साई वल्लों दसी गई राशि उन्नी ही सी जिन्नी उन्हां दे बही खाते विच मेजबानी दा खर्च लिखिया होया सी। ये देख के अते समझ के रतन जी नू बड़ी हैरानी हुई। उन्हां दे मन दी शंका दूर हो गई। रतन जी ने मन ही मन विच कहा, हे श्री साई, तुहाडी शक्ति ते समर्था अथाह ते अनोखी है। श्री साई कहिंदे हन, चंगे कर्मां लई जो भी खर्च कीता जांदा है वो सारा मेरे तक पहुँचता है, वो सारा मेरे उपर ही खर्च हुंदा है। इसनू सदीमी सच मन्नो। जे तुसी सतगुरु जां संत दी पूजा करदे हो, सद भावना नाल उना दी भगती करदे हो, तां ओ श्री साई दे निमित ही कीती गई पूजा है, ओ श्री साई दी ही भगती है। तुहाडी पूजा ते भगती श्री साई जाने ईश्वर तक पहुँचती है। तुसी मौली साहब दी पूजा ते उन्हां दा आदर सन्मान कीता, वो सब मेरी पूजा अते मेरा आदर सन्मान है। उन्हां विच अते मेरे विच कोई फर्क नहीं, दोवें दो नहीं इक्को ही हन। ईश्वर दा स्वरूप कोई भी होवे, परंतु हर स्वरूप विच ईश्वर एक ही हुंदा है। श्री सतगुरु साईनाथार्पण मस्तु, शुभम भवतु। सदगुरु संत उपासना आदर या सत्कार, सत्कर्मों में भक्ति है साईं करे स्वीकार।